ITP gives you different drive experience. To have a safe and sound journey, stay connected with FM 92.4. ITP gives you different drive experience.
to have a safe and sound journey. Stay connected with FM 92.4. Gives you different drive experience. To have a safe and sound journey, stay connected with FM 92.4.
92.4. Assalamu alaikum. माहे दिसंबर की आज 31 तारीख साल 2015 जुमेरात की शब 8:12. इस साल की आखिरी शाम मैं किसके नाम करूं? इस साल की आखिरी शाम क्या मैं उन लोगों के नाम करूं जिनका मकसद है सिर्फ आगे बढ़ना, जिनका मकसद है दूसरों को पीछे छोड़ के उन्हें नुकसान दे के, उन्हें रुला के, उन्हें काट के, उन्हें गिरा के, उन्हें तोड़ के, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ना। आज की ये शाम मैं किसके नाम करूं? क्या मैं ये उनके नाम करूं जो अपनी जिंदगी में सब रखते हैं मगर अपने दिलों में इंसानियत नहीं रखते? क्या इस साल की आखिरी शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जो अपनी जिंदगी में सब रखते हैं मगर मोहब्बत नहीं रखते? क्या इस साल की आखिरी शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जिनके दिल में गैरत सिर्फ अपने घर की ख्वातीन के लिए पाई जाती है, दूसरों की ख्वातीन के लिए नहीं? क्या साल 2015 की यह आखिरी शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जो मिलावटी हैं, जो बनावटी हैं, जिनके कॉल और जिनके फेल में तजाद है? क्या आज की ये शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जो सिर्फ अपना सोचते हैं? क्या इस शाम को मैं उनके नाम करूं जिनकी जिंदगी खुद अपनी जात के गिर्द घूमती है? क्या आज की ये शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जो सिर्फ तमाशा देखते हैं कि लोग कैसे उजड़ते हैं, लोग कैसे गिरते हैं, लोग कैसे मरते हैं? क्या ये शाम मैं उन लोगों के नाम करूं जो कहते हैं लोग रुलते हैं तो रुलते रहें, लोग मरते हैं तो मरते रहें, लोग जलते हैं तो जलते रहें, लोग बहते हैं तो बहते रहें, लेकिन मैं सलामत रहूं, मेरा घर सलामत रहे, मेरे अपने सलामत रहे, मेरी जात सलामत रहे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे मेरे किसी अमल से, मेरे किसी कहे से। किसी का दिल टूटता है तो टूटता रहे, किसी की जिंदगी उजड़ती है तो उजड़ती रहे, कोई बच्चा यतीम होता है तो होता रहे, किसी माँ की गोद उजड़ती है तो उजड़ती रहे, किसी बाप की कमर टूटती है तो टूटती रहे, मुझे क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज के इस दौर का इंसान हूं, मैं आज के इस मुआशरे का एक ऐसा शख्स हूं, मैंने कहा जिसकी जिंदगी खुद अपनी जात के गिर्द घूमती है, वो एक दायरे में रहता है, वो जिंदगी को अपने अंदाज में जीता है, गलत क्या है सही क्या है नहीं मालूम,
बस जिसमें मेरा फायदा है, जिसमें मेरी तरक्की है, जिसमें मेरी ताकत है, जिसमें मेरी शोहरत है, बस वो सही है। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, मैंने कहा आज कुछ ऐसा ही मामला है। कितने लोग हैं जो किसी इंसान को तकलीफ में देख के अपना हाथ बढ़ाते हैं, कितने लोग हैं जो किसी को रोते हुए देखते हैं तो उनके गम में बराबर के शरीक होते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं जो जैसे दिखते हैं एन उसी तरह से अंदर से भी पाए जाते हैं। कितने लोग हैं जो ये सोचे बगैर किसी से ताल्लुक बनाते हैं कि ये शख्स मेरे लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, कितने माली फायदे का बाइस बनेगा, मेरे लिए मेरी तरक्की का बाइस बनेगा। तो मैंने कहा इस साल की आखिरी शाम मैं किसके नाम करूं, या ये शाम मैं खुद अपने नाम करूं जो खुद अपने आप से अपने नाम से नावाकिफ है, जो खुद कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल नहीं करता कि इतना पानी पुलों पर से गुजर चुका है, इतने साल बीत चुके हैं, इतने सारे ख्वाब देख चुका हूं, इतने सारे ख्वाबों को हकीकत बना चुका हूं, बहुत कुछ हासिल कर चुका हूं, लेकिन क्या कभी मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। तो इस साल की आखिरी शाम मैं उस इंसानियत के नाम करता हूं जो आज भी चंद लोगों के दिलों में पाई जाती है। आज की ये शाम मैं उस मोहब्बत के नाम करता हूं जो बेगर्ज है, जिसमें लालच नहीं है, जो आज भी चंद लोगों के सीनों में पाई जाती है। आज की ये शाम मैं उन दिलों के नाम करता हूं जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी धड़कते हैं। आज की ये शाम मैं उन लोगों के नाम करता हूं जिनके जीने का मकसद सिर्फ अपनी तरक्की नहीं है, सिर्फ अपना फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी राहत नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी खुद उनके लिए और तमाम इंसानों के लिए है। जो चराग की तरह जलते हैं अपने आप को रोशन करने के लिए नहीं, दूसरों के लिए रोशनियां फैलाने के लिए। आज की ये शाम जुगनुनुमा उन लोगों के नाम जिनका मकसद खुद अपने लिए चमकना नहीं है, बल्कि उस बुलबुल को रास्ता दिखाना है जो अपने घोंसले से नावाकिफ है। उन लोगों को रास्ता दिखाना है जो भटक चुके हैं। तो मैंने कहा आज की ये शाम मेरे नाम नहीं बल्कि उस इंसान के नाम है जो इंसानियत की तमाम तर तारीफों पे पूरा उतरता है। मुझसे पहले आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद थे आरजे आमिर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, अच्छा प्रोग्राम लेके आते हैं। रिजवान फरूक आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराहम करेंगे। शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा इस वक्त जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बतें, खलूस और सबसे बढ़कर अम का पैगाम पहुंचे। शब के 10 बजे तक मैं आप तमाम सुनने वालों के साथ रहूंगा। 8:30 के बाद आपकी लाइव कॉल शामिल रहती हैं। अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं 0519263
8884 हमारे साथ रामते का नंबर है। शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से आपने सेल फोन के जरिए से प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए 051 इज द एरिया कोड। हम आपके सफर में आपके साथ चलते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। गलतियां तमाम इंसानों से होती हैं, लेकिन अगर अपने जज्बात पर काबू पा लिया जाए, उन अनासिर पर, उन सोचों पर काबू पा लिया जाए जो हमें गलत काम करने पे उकसाते हैं, तो यकीन कीजिएगा जिंदगी में जो तनजुली, जो तबाही खुद हमारी अपनी गलतियों की वजह से पैदा होती है, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। हर दफा हुकूमत को, सिस्टम को, डिपार्टमेंट्स को कसूरवार ठहराने से मसला हल नहीं होता। खुद हमारी अपनी जात में कितनी गलतियां हैं, कितनी कमी है, कभी सोचा हमने? अब अपनी गाड़ियों की रफ्तार को इतना रखिएगा कि आपकी गाड़ियां आपसे कंट्रोल हो सके। ये मशीनें हैं, ये तो हमारे अहकामात पे चलती हैं। अगर हम गलत का हुक्म देंगे तो यकीन कीजिएगा यही मशीनें हमारी मौत का बाइस बन सकती हैं। अगर आप अपने सेल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो www.facebook.com/ITPFM, वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आए आप उसके रिप्लाई में कमेंट कर दें। जितने भी लोग हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम हैं, तो हमारी वेबसाइट आपके साथ रहती है जिसके जरिए से आप हमारी ट्रांसमिशन को बराह रास्त समाप्त फरमा सकते हैं www.itpfm.pk। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हमारी हेल्पलाइंस आपके साथ रहती हैं 1915 एंड 9263182। जितने भी लोगों की सालगिरह है आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी लोग दौरान सफर हमारी आवाज समाप्त फरमा रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात से गाड़ियां चलाइएगा, तमाम तर कवानीन का एहतराम कीजिएगा। और यकीनन अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कोई आपकी रहनुमाई करने के लिए, कोई आपका साथ देने के लिए, आपको डायरेक्शंस देने के लिए नहीं है, गलत सोचते हैं आप। हम हैं ना आपके साथ। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। आपके एग्जाम्स, टेस्ट्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। गेट वेल सून का पैगाम उन तमाम सुनने वालों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। जितने भी लोग रोजगार के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सभी को एक हलाल जरिए माश अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। 8:25, गुड लेट इवनिंग एवरीवन। प्रोग्राम का नाम चिल जोन एंड दिस इज हनान राफे।
बहुत थक गए ना आप इस साल में, बहुत से ख्वाब देखे थे ना, बहुत से इरादे किए थे ना, क्या हासिल करना चाहते थे, कितना खुश रहना चाहते थे, थक गए ना। सफर तो ऐसे ही जारी रहता है, तलाश है हर शख्स की जिंदगी में। अरे भाई, इसी तलाश का नाम तो जिंदगी है। हम आपके साथ हैं, अगर गाड़ियों में हैं तो एहतियात कीजिएगा। सीट बेल्ट्स बांध लें, हेलमेट्स पहन लें अगर आप मोटरसाइकिलों पे हैं। अगर आप पैदल हैं और कहीं से सड़क उबूर करनी है तो दाएं फिर बाएं, दोबारा से दाएं देखते हुए अल्लाह का नाम लेते हुए सड़क उबूर करें। कमिंग अप नेक्स्ट इज अनदर सॉन्ग। आई एम श्योर कि गाना भी अच्छा लगता है, मेरे अक्सर गाने मुख्तलिफ होते हैं। There's nothing that can best define me. Maybe radio something. जहां पे मैं वो बन जाता हूँ जैसा मैं अपने अंदर पाया जाता हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं सुनता, अपने घर वाले नहीं सुनते, अपने चाहने वाले नहीं सुनते, लेकिन फिर रेडियो का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। लौट आते हैं बिल्कुल वहीं जहां से आगाज किया था। आवाज की सूरत में दोबारा से सुनाई देते हैं, दोबारा से सिर्फ अपनी आवाज की वजह से पहचाने जाने लगते हैं। दोबारा से वो तमाम तर बातें बयान करने लगते हैं जो बरसों से हमारे अंदर बसती हैं। लेकिन जिंदगी में लोग इतने मगन हैं अपने अपने कामों में, अपनी अपनी बातों में, अपने अपने रास्तों में कि किसी के पास वक्त नहीं है। घड़ियां बहुत सी हैं, मवासलात के जदीद तरीन तरीके ईजाद हो चुके हैं, तेज रफ्तार सवारियां हमारे इस्तेमाल में हैं, लंबी लंबी सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन दूरियां तो फिर भी हैं, ये शायद पहले से बहुत ज्यादा दूर रहने लगे हैं। ग्लोबल विलेज कहलाती है ना आज की दुनिया, अपनी दुनिया में कितने करीब हैं खुद अपने अपनों के। 8:32 हो चुके हैं, इस गाने के बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं तो 0519263184 हमारे साथ रابطے का नंबर है। अगर आप अपने सेल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP1 अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो www.facebook.com/ITPFM। Tonight, I'm asking about all those years that you've been through. मैंने कहा ना, बहुत से साल बीत चुके हैं, कुछ वक्त हमें याद पड़ते हैं, कुछ नहीं, कुछ शायद हम जानबूझ के याद रखना चाहते हैं, और शायद कुछ सालों को, कुछ लम्हों को भूलने की एक नाकाम सी, एक मासूम सी कोशिश में है। लेकिन कुछ बातें भुलाना मुमकिन नहीं है,
तो आप सुने वालों से आज के प्रोग्राम में सवाल करते हैं कि आपकी गुज़िश्ता जिंदगी में जितने साल बीत चुके हैं, कुछ आपको याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे, तो इन तमाम सालों में कौन सा ऐसा साल था जो कि आपके लिए एक बड़ा साल साबित हुआ। बहुत सारे लोगों को किसी खास साल में डिग्री मिली होगी, किसी साल में बहुत बड़ी खुशी मिली होगी, शादी की होगी, कोई अच्छा दोस्त मिला होगा। कोई साल इस वजह से भी बड़ा हो सकता है कि कोई हमसे बिछड़ा होगा। कोई साल इस वजह से भी अच्छा साबित हुआ होगा जो शुरू में महीने के तमाम 30 दिनों में हमें लगा होगा कि ये साल हमारा साल नहीं है। 11 महीने बीत चुके होंगे, लेकिन आखिरी महीने के चंद आखिरी दिनों में हमें कुछ इतनी बड़ी खुशियां मिली होंगी कि हमें लगने लगेगा कि नहीं भाई, साल तो यही था, सब अच्छा इसी साल में हुआ। तो आपकी गुज़िश्ता जिंदगी में कौन सा साल आपके लिए सबसे अच्छा साल साबित हुआ, मुझे बताइएगा। 8:35 प्रोग्राम का नाम चिल जोन एंड दिस इज DJ हन्नान राफे कमिंग लाइव। शाम बखैर टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज हन्नान राफे एंड माय शो हैपेंस एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे नाइट 8 से लेकर 10 तक। अगर आप कॉल्स करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कुंडी मैंने खोल दी है 0551926318 4। ये हमारे साथ रबते का नंबर है। आज सुनने वालों से मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी गुज़िश्ता जिंदगी के तमाम सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था।
अगर आप अपने सेल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP1 अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो www.facebook.com/ITPFM, दिस इज द ऑफिशियल फैन पेज। वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आए आप वहां पे कमेंट कर दें। सुनने वालों से मैं ये पूछ रहा हूं, बार बार ईश्वर से बता रहा हूं कि फिर बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं आज क्या बात चल रही है। वैसे तो मैं यकीनन इस बात के हक में नहीं हूं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको एक लिमिटेड स्कोप के साथ बातें करने पे मजबूर किया जाए। अच्छा लगता है कि लोग वो सब कहें जो उनके दिल में है, लेकिन फिर चंद लोगों के लिए या शायद बहुत से लोगों के लिए और उनकी आसानी के लिए कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, किसी न किसी मौजू का इंतखाब किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में आप सुनने वाले से पूछ रहा हूं, क्या आपकी गुज़िश्ता जिंदगी के तमाम सालों में से सबसे अच्छा साल आपके लिए कौन सा साबित हुआ? 051-9263-184। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं गुलामत बात कर रहा हूँ। गुलामत कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं सर? ठीक है, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। कितने स्वेटर पहने हुए इस वक्त में? सर एक ही स्वेटर पहना मैंने, आवाज बिल्कुल एक। अच्छा, अभी तो इतनी सर्दी नहीं है मेरे ख्याल से जितनी पहले थी। अच्छा, आप उन लड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि ऊपर ऊपर से तो बड़े स्मार्ट लग रहे होते हैं, बड़े हैंडसम लग रहे होते हैं, बड़ी मजबूत किस्म की महंगी किस्म की जैकेट्स पहनी होती हैं, हैं? अच्छी से गाड़ी में फिर रहे होते हैं, लेकिन उनके मोजों में सुराख होते हैं, उनको ये चाहूंगा थोड़ा कम खाया करें। नहीं, जुराबों में सुराख होने का खाने से क्या ताल्लुक है? अच्छा 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 अच्छा, जुराबों में सुराख कम होते हैं? हाँ, ज्यादा होते हैं, जुराबों में सुराख होते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उनके पाँव को गर्मी ज्यादा लगती होती है। अच्छा, तो ये बताएं गुज़िश्ता जिंदगी के सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था? सर अच्छा वाला साल आई थिंक यही है जो अभी गुजर रहा है। उसकी वजह क्या है? इस साल में क्या आपको ऐसा अच्छा मिला कि आपको लगता है कि ये साल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साल है? हाँ, कुछ काम थे जो अनपॉसिबल थे वो हो गए इस साल में। तो कौन से काम इम्पॉसिबल थे जो आपने कर लिए हैं? हाँ जी, वो ये थी कि कुछ जॉब का सिलसिला था, या इधर कोई आदमी दिल्ली में हूँ, पहले वहाँ था, हैदराबाद था। अच्छा, और दिल्ली में हूँ, और एक भतीजा है उनको सऊदी अरब भेजा है, अभी दिसंबर में भेजा है। तो वो बड़ी कोशिशों से जाए, अगर वो करनी हो रहा था, वो भी बड़ी खुशी मिली है। तो ये काम थे, और बुरा जो बुरे का बुरा साल था वो था 2010 वाला। अच्छा, चलिए अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दें और आने वाले साल भी आपके लिए अच्छे साल साबित हो, ठीक है? 2010 में जो था वो भाई भी दुनिया से चला गया था और अबू भी, एक साल वो 2010 में दोनों चले गए थे दुनिया से। लेकिन आप बड़े बहादुर बच्चे हैं ना अपनी अम्मा के। अभी मैं ही हूँ एक, बस अभी अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं। अपना सीना चौड़ा रखें और उन सभी लोगों को याद रखें जो कि वक्त में आपकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन ये रीत कुछ ऐसी यही ऐसे ही रिवाज है इस दुनिया का, आते हैं चले जाते हैं लेकिन याद रह जाते हैं अपने लोग। बिल्कुल सर, वो होती है याद, वो तो याद हर लम्हे हर पल हर जगह याद आते हैं, लेकिन बस क्या करें, ये अल्लाह पाक का जो है फर्ज सबको मानना है। कल अगर वो आज वो नहीं है तो कल हम भी नहीं होंगे, कोई और होगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। वो जो आप कहते हो ना, दाम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना कोई हमसा होगा, तो ऐसी दुनिया चलती रहती है। बस अल्लाह पाक करे उनको जो है ना वो जना तक अपनी जगह दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आप सलामत रहें और अपना ख्याल रखा करें, ठीक है आप?
ठीक है सर, ठीक है। और आपकी अपना ख्याल रखा करे और सभी लिस्टर्स को मेरी तरफ से सलाम और हैप्पी न्यू ईयर सदाता करे। सबका जो आने वाला साल है बहुत अच्छा गुजरे और जो इसकी नेक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। आमीन सो आमीन। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। गुल अहमद हमारे साथ शामिल रहे। अगर आप भी कॉल्स करना चाहते हैं तो 0519263184 हमारे साथ रابطے का नंबर है। सुनने वाले से पूछ रहा हूँ कि आपके गुज़िश्ता सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था और किस वजह से था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबाहत बात कर रही हूँ। नाम क्या बताया आपने? सबाहत। अच्छा, कैसी है आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान है प्यारा पाकिस्तान। आप कैसे हैं? करम अल्लाह का। अच्छा, अक्सर जब हम किसी बंदे से सवाल पूछते हैं ना कि कोई भी सवाल हो सकता है, जात के हवाले से, कुछ किसी मंजर के हवाले से, तो जवाब में वो बंदा भी हमसे वही सवाल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कहें कि कभी आपने मोहब्बत की है, तो जवाब में फिर वो भी हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने की है। मैं तो कुछ नहीं पूछूंगी। अच्छा, आप क्वेश्चन का सच्चा मुझसे। अच्छा, आप ये बताइएगा गुज़िश्ते जिंदगी के सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था? सबसे अच्छा वाला साल, किसी खास वजह से वो आपके लिए अच्छा साल साबित हुआ होगा, वो खास वजह क्या थी? जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, वही साल अच्छे थे। उसके बाद 2012-2014 मेरे लिए बहुत बुरा था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अच्छा, चलिए अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन सो आमीन। एक और बात करना चाहूंगी यहाँ पे के जो फ्रेंड रही है, आप ही है मेरी, वो मुझसे नाराज हो गई है किसी वजह से। उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोलती हूँ। मैं अपने आप से ये कहूँगी कि मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे टीचर मेरे विटनेस हैं कि मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती। कुछ भी हो जाता था ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं झूठ नहीं बोलती। बस अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। तो उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो उनसे गुजारिश है कि मैं झूठ नहीं बोलती। प्लीज अगर कोई गलत फहमी है तो फोन पे आके बात करें मुझसे, फोन पे मेरे से बात करें। मैं जब फोन करती हूँ काट देती हूँ। ये बात है। चलिए, जो भी नाराजगी है आपके बीच में, जो रंजिशें हैं, आई एम श्योर कि वो दूर हो जाएंगी। आप सलामत रहेंगे, ठीक है? और आप भी सलामत रहिएगा, आप खुश रहिए। आने वाला साल आप सबके लिए, हम सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों से भरा हुआ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। 8:46 हो चुके हैं। आप सुनने वाले से पूछ रहा हूँ कि आपकी गुज़िश्ता जिंदगी के सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था। हाँ जी, बहुत सारे लोगों की शादियां हुई होंगी, बहुत सारे लोगों की शादियां होते होते रह गई होंगी, सिर्फ इस बात पे कि लड़का सरकारी मुलाजमत नहीं करता, सिर्फ इस बात पे कि लड़के के पास 800 सीसी वाली गाड़ी है, सिर्फ इस बात पे कि लड़के की दाढ़ी वक्त से पहले चिट्टी हो गई है या उसके बाल वक्त से पहले झड़ गए हैं। So whatever the case was, लेकिन कोई ना कोई साल जिंदगी का ऐसा होगा जो आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे यादगार साल साबित हुआ होगा, उस साल का जिक्र कीजिएगा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सर के आले ठीक हो? करम अल्लाह का। चाचा जी अपना नाम बता लें दोबारा से। नाम मेरा जी ममन विशी जननवाल तो बोल रहे हो। कैसे हैं आप अंकल जी? ठीक है कौन कौन बैठा हुआ है आप क्या बता रहे हैं? सर हमारे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे भतीजे, हमारे जो दोस्त हैं वो भी सब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये इनका प्रोग्राम सुन के अंकल का तो काम सही। चलो अच्छा, अंकल आप ये बताएं आपके लिए सबसे अच्छा वाला साल कौन सा साल था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, साल तो सब अल्लाह के ही बने हुए हैं, लेकिन सब अच्छा जो साल है वो आपको हम बता रहे हैं कि वो तो गुजर ही गया, लेकिन सबसे अच्छा कल आने वाला जो ये भी सबसे अच्छा है इंशाल्लाह। नहीं, जो गुज़िश्ता साल हैं जो गुजर चुके हैं उनमें सबसे अच्छा वाला कौन सा था? बस सबसे अच्छा जब तकरीबन बस रबी अव्वल वाला दिन बहुत ही अच्छा था जी। अच्छा अच्छा, आप इस साल की बात करें। अंकल जी आप सलामत रहें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बात सुनो ना, एक दिन अगर हमारी तुम्हारे साथ बात हुई थी, जब वो आपने दुआ भी की हुई लाजमी आपने की होगी कि हमारा जो वो डन्ना नुराल पानी का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाल हो गया है। अच्छा हाँ, वो जो हाल हो गया तो कभी आओ ना राजा बाजार, आपको हम केले खिलाएं। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है,
आपने मुझे पहचाना नहीं पहचाना? आपको मैं पहचान चुका हूँ, आप वही हैं जिन्होंने मुझे नरम केले पकड़ा दिए थे। अंकल जी आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में और आपके कारोबार में खुशियों में बरकत डाले, ठीक है, सलामत रहिएगा। अच्छा सब ठीक है ना? करम अल्लाह का अंकल, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये अंकल हैं जो कि बड़ी मोहब्बत में, बड़ी मासूमियत में बात करते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। अगर आप अपने सेल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP space, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो www.facebook.com/ITPFM। एक मजीद लाइव कॉल शामिल कर लूं, चलें, लेट्स गिव इट अ चेक। हेलो हेलो, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम एंड सलाम अगेन, कौन बात कर रहे हैं आप? जी अबरार अहमद बात कर रहा हूं, रावलपिंडी से। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसे? करम अल्लाह का। तो कौन सा साल आपके लिए सबसे अच्छा साल साबित हुआ था? नहीं, लेकिन एक साल, मैं स्पेसिफिकली एक साल का पूछ रहा हूँ, ये जनरल सवाल तो नहीं है, आपसे स्पेसिफिकली एक साल का पूछ रहा हूँ, आप वो बताएं, किसी में कोई खास खुशी मिली हो, कोई कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, वो कौन सा साल था? 2015 का साल मेरे लिए बेहतरीन साल साबित हुआ। अच्छा, 2015 का साल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो मतलब जिस लिहाज से मैंने काम किए, जिस लिहाज से मैंने मेहनत किया, वो उसका फल मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा हो गया है, आई एम श्योर कि आने वाले साल भी अच्छे साल साबित होते हैं। आप ट्रैफिक का पैगाम देते हैं? ट्रैफिक मैसेज के लिए प्लीज, बारिश वाले जरात है, सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए हेलमेट पहने, जैकेट पहने, दस्ताने पहने, शूज पहने, तो ये तमाम चीजें आप पहनेंगे तो यकीनन आप सर्दी से महफूज रहेंगे। और पाँव वाले जरात प्लीज सीट बेल्ट पहने, मेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें, अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो वर्ड पावर का बहुत सारा ख्याल रखें, यही मेरा पैगाम है। आप सलामत रहे ब्रांड साहब, अपना ख्याल रखेगा, ठीक है? ओके, फर्स्ट टाइम मैं आपको सुना, इंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है। आप सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जितने सारे लोगों को सर्दियां लग रही हैं, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, उन सबसे मैं कहूंगा सेम इज द केस विद मी एज वेल। गुड लेट इवनिंग एवरीवन, 8:51 इज द टाइम चेक, माय नेम इज हन्नान राफे, शनाख्ती अलामत खाली जेब, चेहरा तेरा, धड़कन ओढ़ी खुशबू तेरी, पास कर या बर्दाश्त कर, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, देख मगर प्यार से, फासला रख वरना प्यार हो जाएगा। अभी ऐसा करता हूँ कि मैं आपके मैसेजेस शामिल कर लेता हूँ, सुनने वालों से पूछ रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा वाला साल कौन सा साल था, मुझे बताइएगा। जो साथ है खुशनुमा एहसास है, सब कुछ नया क्यों इस तरह लगने लगा, हम और तुम जो साथ है, आंटी रक्षंदा का मैसेज आया और कहती हैं कि आपके अंकल गफूर जो हैं वो 100 रुपए वाले कार्ड का नंबर अपने मोबाइल फोन में लोड कर रहे हैं लेकिन वो लोड नहीं हो रहा, और मजे की बात ये कि वो ये कार्ड आज से 1 हफ्ता पहले लोड कर चुके हैं और दोबारा से नाकाम कोशिश कर रहे हैं ये कार्ड दोबारा से लोड हो जाएगा।
Coming up next, your messages. 4471 is the texting ID. अच्छा जी, रमला अजहर हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. वी हैव आमिर फ्रॉम G154 इस्लामाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया. आंखों ने बहना चेहरा तेरा, धड़कन में ओहड़ी खुशबू. एंड रमला अजहर कहती है कि मेरे लिए साल 2015 बहुत अच्छा रहा, बिकॉज आई गॉट पीपल हु मेक मी स्माइल एंड आई नेवर वांट टू लूज देम. और आपको इस साल में जॉब भी मिली और आप इस साल में फुप्पो भी बनी हैं. चलें जी. अच्छा, कुछ फुप्पोएं यानी के फुप्पियां यानी के फुप्पोज ऐसी भी होती हैं जो हमेशा हर शादी में नाराज रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद शादी पे आ जाती हैं चेक करने के लिए कि खाना कैसे बनाया है, रशीदा की बेटियों ने किस रंग के सूट पहने हैं, हमीदा की नंद ने वो 8,000 वाले जूते पहने हैं या नहीं पहने. अक्सर बच्चों को बहुत सी माएं नए जूते या नए कपड़े पहनने से रोकती हैं और जवाब ये पेश करती हैं कि बेटा 3 महीने बाद तुम्हारे मामू की शादी है, इन जूतों को और इन कपड़ों को उनकी शादी में पहन लेना. और हमारी तरह के मासूम बच्चे होते हैं जो बात को मान भी लेते हैं. इफ़त बतूल हमारे साथ आजाद कश्मीर से हैं. सलाम हनान भाई, और मुझे नए साल की मुबारकबाद दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो. कैसे हैं आप? वापसी में बहुत टाइम लगा दिया, प्लीज इतना लंबा ब्रेक ना लिया करें. शक हो जाता है कि कहीं आप बुजुर्गे की वजह से रिटायर्ड तो नहीं हो गए. किसी इवेंट पे स्पेशल शो भी कर लिया करें, लिसनर्स को अच्छा लगेगा. राइट, ओके, कॉपी दैट. We have Laila from... All right. ठीक है. Let me get your messages back. इस्लामाबाद से लैला है. लैला मेराज. 2015 was best year for me. क्योंकि आप कहती हैं कि इस साल में आपको अपनी सच्ची मोहब्बत मिली और आपकी मंगनी होने लगी है कल मुजीब से. Happy birthday to both of you. We have some, what is that? Sameed Kayani, आपकी उम्र है 10 साल और आपकी जिंदगी का बेस्ट साल जो था वो 2014 था. अच्छा, और आपने उम्रा करने की सादत हासिल की 10 साल की उम्र में. आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलें, अच्छे हैं. आप अपनी अम्मा जी अब्बा जी के साथ गए होंगे, अच्छी बात है. रिफत हसन हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं. सलाम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, प्लीज मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. अच्छा, तो रंग तो भाई दुआओं से गोरा नहीं होता, रंग गोरा करने के लिए तो क्रीमें इस्तेमाल की जाती हैं. रिफत बहना बहुत शुक्रिया. सफीना पीर शाह, आपको हैप्पी न्यू ईयर. मेरे लिए 2015 बहुत अच्छा साल साबित हुआ क्योंकि मेरी इस साल मंगनी हुई. अच्छा जी, मंगनी शुदा लोग बहुत सारे हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं. सुमित ज्ञानी है टेक्सला से, आपका मैसेज दोबारा से आया है, बहुत बहुत शुक्रिया. अपनी फैमिली के साथ आप गए थे, ठीक है बेटा. 2015 क्योंकि हनान राफे को सुना और बहुत और बात भी की. अच्छा जी, अनिला रावल पिंडी से है. पगली अब रुलाना है क्या? कभी यादें कभी बातें कभी पिछली मुलाकातें, बहुत कुछ याद आता है तेरे याद आने से. हमीद खान इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद I-9 से. और आप कहते हैं कि साल 2015 मेरे लिए अच्छा साल साबित हुआ, ठीक है. 2015 has been a good year. I met Hanan Rafi, a wonderful RJ. अच्छा जी. Alright, now this is a legendary kind of message. Ayub Joseph sahab mujhe sun rahe hain. Trust me sir, it's really an honor to have you on the other side of the microphone. Stay blessed. Sir, bahut achha lagta hai. Ek sakoon se milta hai. Shayad hamara confidence,
مزید ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ کی طرح کے بڑے لوگ ہمیں سنتے ہیں. ایوب جوزف صاحب جو کہ جمعرات کو نہیں بلکہ بدھ کو پروگرام کرنے آتے ہیں میرے پروگرام کے بعد, کل انہوں نے چھٹی ماری جس کے لیے جرمانہ تو بنتا ہے. سر آپ سلامت رہیں, اسٹے بلیسڈ. رائٹ, رفعت حسن ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہیں. ایکچولی 2015 آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہوا کیونکہ آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی بیٹی بھی سال پیدا ہوئی. Alright, thank you very much کہ آپ سننے والے ہمارے ساتھ ہیں. یہ گانا شروع سے پلے کرتے ہیں یا آئی شوڈ برنگ ان سم ویریشن سم ویریشن سم ویریشن چینج از دا اسپائس آف لائف. Alright, I guess this one sounds good and I'm playing this song after a very long long while. This is Raksam Raksam by Suhail Shahzad. You guys take a listen. 8:58 ho chuke hain. Program ka naam Chill Zone and this is Hanan Rafi. Pag badwa در در نچوایا ساجن. ہائے, اور اس گانے کے ساتھ دل سے صرف ایک ہی صدا اٹھتی ہے اس سرد موسم میں, اس بھیگے دسمبر میں, جو شاید بھیگا نہیں ہے لیکن بھیگا بھیگا سا لگتا ہے, اور وہ صدا کیا ہے؟ گرم انڈے. رقسم رقسم یار دے درد میں جوگی بن کے جوگی بن کے روگی بن کے گنگرو میں چھنکا ورد دو رہاں می رقسم رقسم یار دے درد میں جوگی بن. اچھا اچھا می رقسم رقسم یار دے درد میں جوگی بن کے سانج سویرے ذکر اناندا دل نوراوے فکر اناندا دل نوراوے فکر اناندا ساوچ میوزک 9:02 ہو چکے ہیں. شہر اقتدار سے بالکل براہ راست آپ سننے والوں کا ساتھ دینے کے لیے موجود رہتا ہوں ہر بدھ اور جمعرات کو شب کے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک. آپ سنتے ہیں, یقین کیجیے گا اچھا لگتا ہے, ورنہ آپشنز تو بہت سے ہیں. دنیا کا بازار یا میلہ اسی طرح سے سجتا ہے, اسی طرح سے بہت سے گاہک بہت سے دکاندار اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں کچھ نئے آ جاتے ہیں, لیکن یہ میلہ تو سجتا ہے. بازار کی رونقیں اسی طرح سے بحال رہتی ہیں, لیکن آپ سبھی کو چھوڑ کے ہمیں پسند کرتے ہیں, یقین کیجیے گا دل کرتا ہے آپ کو ابلے ہوئے 4 انڈے کھلاؤں چائے کے ساتھ. بھائی
और वो भी देसी वाले। कमिंग अप नेक्स्ट योर लाइव कॉल्स 0519263184 यानी कि 0519263184। अगर अपने सेल फोन से आप मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर फेसबुक के जरिए से आने की ख्वाहिश रखते हैं तो www.facebook.com/ITPFM। थोड़ा सा डीपीज बनाने से अगर आप फारिग हो जाएं और मुंह चढ़ा के तस्वीरें बनाने से फारिग हो जाएं, सो यू कैन लाइक अवर पेज। एंड वी हैव गॉट सो मेनी लाइक्स ऑन दैट पेज, यानी कि 8,644 लोग हमें पसंद कर चुके हैं। बहुत से लोग पसंद करते हैं लेकिन मैं किसी की पसंद नहीं हूं क्योंकि मैं उसके लिए काबिले पसंद नहीं हूं जो शायद मेरी पसंद है। जो मेरी पसंद है शायद वो ना काबिले पसंद है। लेकिन मुझे पसंद है जो सिर्फ मेरी पसंद है और जो सिर्फ मेरी पसंद है यकीन कीजिएगा मुझे बहुत पसंद है। बैक टू बैक लाइव कॉल्स, माय नेम इज हनान राफे, 10 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजान से बोल रहा, पहचान जाते हैं आपको, अगर आप ना भी बोले तो भी पहचान जाते हैं। खुदा आपको सलाम करे। अमीन सुमामीन, कैसे हैं आप? शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का इतना एहसान है। अच्छा, वो डांट पड़ने का, अच्छा वो डांट पड़ने का और गिले शिकवों का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है शादी के बाद, तो वो चल निकला है या अभी टाइम लगेगा? मेरे भाई आप जो कह रहे हैं 100% कह रहे हैं। इसी वजह से तो डर जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सिलसिला तो उसका मुझे इंतजार भी था, पहले से अंदाजा भी था। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद, उसके बावजूद है, उसके बावजूद फिर वो, अरे कब तक बंदा, कब तक बंदा अपने लिए कपड़े खुद इस्त्री करेगा, कब तक अपने लिए चाय खुद बनाएगा, बर्तन खुद समेटेगा, है वो सारे काम जो आपकी भाभी करती हैं। अच्छा चलें, अच्छा हो गया। तो बताएं कौन सा साल आपके लिए अच्छा साल था? मुझे मालूम है वो कौन सा है। सारी जिंदगी बहुत अच्छी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत सारी नेमतें कि जिनका शुक्र अदा करना चाहूँ तो सकत नहीं है, जिसम जवाब दे जाते हैं। लेकिन खास कर ये जो माए उसमें आ जाते हैं आपके, क्या कहते हैं, इस्लामी साल भी, और जो हमारा इसी साल है 2015 का, अभी लास्ट जिसके चंद घंटे बाकी हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और सबसे बड़ी नेमत था कि अल्लाह ताला ने मुझे कि रिश्ता इस दुआज में उसमें मैं मुंसलिक हो गया। मुझे पता था, मुझे पता था आपने ये कहना। ये देखे ना, आपने कहा ना कपड़े स्त्री, ये वो अभी डीजे यूज जो वो आपको सही है, असली जो ब्रॉडकास्टर है उनको सलाम मेरी तरफ से, बड़ी खुशी हुई मुझे। वालेकुम अस्सलाम। तो वो जानते हैं लगे जबकि बिल्कुल नहीं राजान सर के अंदर, घर में काम भी सारा खुद करता था, माँ बाप बहन भाई बहुत हो चुके थे, कपड़े इस्त्री करने, वेल ड्रेस रहना, घर में कोई आ गया अपने लिए खाना बाप का, तो मैं यकीन करे बर्गर बना के, मेरी बाप की भाभी कहती है आप बर्गर बना बना के खुद बर्गर हो गए थे। अच्छा, वो कहते हैं इंसान जो खाते है बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो अभी यकीन करे कि अभी भी बर्तन पड़े हैं, खाना खा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, आपका जो निकाह था वो सर अयूब जोसेफ साहब ने पढ़वाया था, जो उनको पता है सब कुछ है? नहीं, उनको पता है कि क्योंकि उनके साथ बड़ा अरसा से रहा है ना,
वैसे भी उनके साथ जो है प्रोग्राम के हवाले से उसके बाद भी क्योंकि आईटीपी के साथ बड़ा पुराना एक सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ऐसा, तो वो भाई बड़े पुराने उनको मैं सुनता हूँ, उसी में ब्रॉडकास्टर है, तो उनको पता है कि लिबी लिपटी नहीं है मेरे अंदर में। तो ये जो आपने कहा मिस्त्री कपड़े धोने ये सारे काम में करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपकी बहन है भाभी है वो करके देते हैं, लेकिन डांटती भी है। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, आप सलामत रहें दोनों और आप इस तरह से खुश रहें, मेरी तो यही दुआ है जिंदगी के तमाम साल आपके हक में अच्छे साल साबित हो। ट्रैफिक का पैगाम देते हैं, एक ही वो मैं बात कहा करता हूँ, मैसेज कन्वे करता हूँ ट्रैफिक का हो या वैसे कुछ होने तो वो के अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो है ड्राइव करें, चाहे आप हाथ पीट पे बैठे हो कोई भी किसी जगह पे भी आपकी जो भी ड्यूटी है जो भी सर अंजाम दे रहे हैं, यकीन करें आप बहुत अहम है, बहुत अहम है, आप जिम्मेदारी के साथ काम करें। क्यों कि जो आपके जिम्मेदारी आज की गई है उसकी पूछ होगी, आप गैर जिम्मेदारी का नजारा करेंगे तो फिर नुकसान आते नुकसान आते। तो यही कहूंगा कि ड्राइव करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, दूसरों के हकूक का ख्याल रखें, यकीन करें आप दूसरों के हकूक का ख्याल रखेंगे आनंद राजे आपको आपके दादी के हकूक मिलेंगे आपके। सलामत रहे, आपके लिए दुआ दूं अल्लाह ताला सबके लिए नया साल जो है इसी साल जो आ रहा है सबके लिए अच्छा हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और हमारे राजा अंसर साहब बात करते वक्त खुद ब खुद शायद हमें कुछ बातें समझाने की कोशिश करते हैं या उनपे बीतने वाले चंद हालात हमें कुछ बताते हैं। बोलते वक्त उनकी आवाज इसी वक्त में धीमी हो जाती थी, लग यही रहा था बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोई रिसीवर अपने कान के करीब करके सुनना चाहता है कि भाई किससे बात हो रही है? जिंदगी में कोई और तो नहीं है। नाउ दिस वॉज रियली टचिंग। 9:10 कुछ लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं, चाय में बिस्कुट डुबोते हैं कुछ चंद अहम लोगों के सामने और बिस्कुट चाय में गिर जाता है, यानी कि बिस्कुट को बिस्कुट ना कहें, यकीन कीजिएगा कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। बैक टू बैक लाइफ का दिनों भाई मुख्तसरन बात कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि गुज़श्ता सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद खुबैर बात कर रहा हूँ जी, 9 से। कैसे हैं आप? ठीक है, हरियत से हैं अल्लाह का शुक्र, आप नाम भी कैसे हैं? करम अल्लाह का। क्या कर रहे हैं आप जी? अभी तो रजाई में बैठ के मूंगफली खा रहा हूँ। अच्छा, रजाई में बैठ के आप कंगी कर रहे हैं इस वक्त में? मूंगफली खा रहा हूँ। अच्छा, मूंगफलियाँ खा रहे हैं, मैं समझा कंगी कर रहे हैं। नहीं, रजाई में बैठ के कंगी कौन करता है। अच्छा, कभी बाल बनाते वक्त आपने अपने साथ ये गाना गुनगुनाया कि बाल बनाऊं मैं किसके लिए? नहीं, कभी कभी जब मौका मिलता गुनगुना भी लेते। जब मम्मी घर में नहीं होती है जी, अम्मी किताब। अच्छा जी, ये बताएं गुज़िश्ता सालों में से अच्छा वाला साल कौन सा था? ये 2015 का। 2015 वजह क्या है? वजह ये कि लास्ट मंथ में आपसे बात हुई फोन पे, तो अच्छा साल यही गुजरा। अच्छा, चलें, अच्छा है फिर, मेरे लिए भी अच्छा साल था कि मेरी आपसे बात हुई है। जी, चलें, अच्छा हो गया। आप ट्रैफिक का पैगाम दे रहे भाई? ट्रैफिक का पैगाम ये कि हेलमेट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। ड्राइविंग करते वक्त अगर आपकी सांस का भी फोन आ जाए तो भी टेंशन ना लें, घरवाली का भी फोन आ जाए टेंशन ना लें, ड्राइव करते रहें, घर में जाके आराम से डांट सुन लेंगे, इसमें क्या कोई नई बात तो नहीं है ना। बैक टू बैक लाइव कॉल दे रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम खान फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का। नईम लगता है बहुत करीब मौजूद है। हाँ बिल्कुल, वो बस अभी आया था और बस मेरे हाथ थर गए हैं। नहीं तो क्या अभी आप इस वक्त F9 पार्क में हैं? नहीं, मैं अच्छा। मुझे घूमने फिरने का इतना शौक नहीं होता। अच्छा, घर में बस चिल करना और बस काम से के बाद तो फिर चिल करना घर में। अच्छा, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग वॉक पे निकलते हैं तो घर के अंदर ही निकलते हैं फिर?
नहीं नहीं बाहर ही निकलता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे भी जाऊँ तो बाहर ही निकलता हूँ, और वॉक के लिए जाऊँ तो फिर मुझे पहाड़ खेत वगैरह अच्छे लगते हैं, तो फिर गाँव जाऊँ तो फिर जाता हूँ। अच्छा हाँ जी, और शो अच्छा जा रहा है, और फिर आपके साथ बात होगी अगले साल, यानी कि नेक्स्ट वीक अगला साल शुरू हो जाएगा। और आप पूछ रही हैं कि ये साल मतलब कौन सा जिंदगी का अच्छा साल था, तो आई थिंक काम के लिहाज से जो है वो 2015, और अगर रिश्तों की बात की जाए तो फिर 2013। अच्छा, 2015 में आपने दूध की नहरें खोदी हैं या क्या किया वैसे? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो है ना तीन प्लेस में काम किया, और अच्छा काम यारी का। नजर लगती है ना फिर। अच्छा नहीं, वो लोगों को पता है। अच्छा, ओवरऑल नहीं, कौन सा साल अच्छा था? कुछ जाती जिंदगी की बात करनी, चलिए काम को थोड़ा सा साइड पे करके जिंदगी में आपको कौन सा साल अच्छा साल लगा? शनाम भाई, आपको पता है कि आज न्यू ईयर नाइट है, और मेरे रिश्ते मतलब मेरी शादी की बातें चल रही हैं दूसरे कमरे में। अच्छा जी। हाँ, सब कह रहे हैं कि यार ये हमारे तो मतलब खानदान में ना 20 साल का लड़का होता है तो उसकी शादी हो जाती है। अच्छा जी, आपने कहना होगा ना फिर, मैंने अभी बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो मतलब मेरे घर भी कह रहे हैं, मेरे अब्बू जी मतलब कह रहे हैं कि तुम 20 साल के हो गए हो, अब 20 साल से ऊपर जा रहे हो, तो ये है कि तुम मंगनी या मतलब शादी की, हाँ कर दो, कोई पसंद है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, मैंने भी काम करना है तो बता दूंगा आपको बाद में। और मतलब आने वाला साल जो है वो अल्लाह करे अच्छा हो, मतलब इससे ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा खुशियाँ मिले और ज्यादा काम मिले, मेयारी काम मिले, बस यही कोशिश होती है, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा, मतलब वो गा के नहीं वैसे ही बताऊंगा कि मैं क्या आजकल कर रहा हूँ। एक सॉन्ग है प्लेबैक, वो उसमें मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो तैयार हो चुका, लेकिन वो 2016 में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे है। वो इस तरह है कि मैं उसे वो मुझे देखता रह गया, जिंदगी कट गई फासला रह गया, बस मेरा फोन पे राबता रह गया, मैं उसे वो मुझे देखता रह गया। बस ये सॉन्ग है, लेकिन फिर के साथ जब आपको सुनाऊंगा कभी फिर। और लोग कहते हैं मोहब्बत में क्या कर दिया तुमने, नहीं ये शेर नहीं है। लोग कहते हैं मोहब्बत में क्या कर दिया तुमने, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अंडे खाए, पापड़ खाए, सेवैया खाए। कितना अच्छा शेर था ना ये, इससे पता चलता है कि मैं कितनी शायरी जानता हूँ। नहीं, आप सलामत रहे, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, सुन रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ नंदी। एक बात है कि मैं जब आपसे बात ना करूँ ना तो मतलब वो दिन अच्छा नहीं गुजरता। कल आपसे बात की, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन आपने पूरी कोशिश की कि मैं आपसे बात करूँ और हो भी गई। ट्रैफिक मैसेज ये है कि जी पैदल मतलब गाड़ी जो है वो ध्यान से चलाएं, और पैदल चलने वालों का खास ख्याल रखें, और आज के दिन तो बिल्कुल पीछे मारने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल भी ग्राउंड से बाहर निकले रहे होंगे। और तमाम सुनने वालों को सलाम और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। जो 4-5 घंटे बच गए हैं उससे पहले, 4-5 नहीं 2 घंटे बच गए हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको एडवांस में कहूँगा, और तमाम सुनने वालों को भी कहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, और तमाम लोगों को यही दुआ है कि आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। और राजन जी तुमसे साहब आए थे काफी अच्छे बात, तो अच्छा लगा। तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम एंड अल्लाह हाफिज। आज मैंने अपनी अम्मा जी को बता दिया कि नए साल की खुशी में मैंने आज दूध वाली सेवैया खानी है। बेशक डब्बे का दूध उसमें डल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवैया दूध वाली होनी चाहिए। अम्मा जी जब सेवैयों में दूध नहीं डालती, और मैं कहता हूँ कि अम्मा जी दूध क्यों नहीं डाला, अम्मी कहती हैं वो बिल्ली पी गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? नादिर शहजाद रावलपिंडी से जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह करम लगा। चले आप इमेजिन करें कि आप किसी टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, और आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट फराम कर रहे हैं, आपकी लोकेशन इस वक्त क्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे, आपने एज अ रिपोर्टर हमसे बात करनी है। जी जी, मैं भाई ये कहना चाहूंगा कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप एज अ रिपोर्टर कॉल करें। जी ठीक है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक जगह की, और एक जगह है वहाँ पे चन्नों वाले समोसे बिक रहे हैं, तो आप हमें किस तरह से रिपोर्ट देंगे? मैं इधर टीवी स्टूडियो में मौजूद हूँ। अच्छा जी, आप जिस तरह आप बोलेंगे।
چلے پھر میں اپنی خالہ سے پوچھ کے بتاؤں گا ٹھیک ہے. اس طرح بولتے ہیں جی. اس وقت میں پنڈورا چنگی میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک ریڑھی والا ہے جو چنوں والے سموسے بیچ رہا ہے. لوگوں کا ایک ہجوم ہے. آئیے بات کرتے ہیں ایک شخص سے کہ یہ چنوں والے سموسے جو ہیں یہ ان کو کیسے لگتے ہیں. جی آپ کون ہیں اور چنے کیسے لگتے ہیں آپ کو سموسوں میں؟ جی مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں. سلامت رہیں آپ بھائی. آپ سلامت رہیں. آپ نے میرا موڈ اچھا کیا. آپ ریکویسٹ نہ کریں, آپ ریکویسٹ اگلے سال میں کریے گا ٹھیک ہے؟ اگلے سال آپ آئیے گا. اگلے جی جی آپ جلدی سے بتائیں, جلدی سے بتائیں. میسیجز میں بھول چکا ہوں میسیجز شامل کرنے. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے نا. اچھا راول پنڈی میں. ٹھیک ہے. تو میری جو حکمران ہے ان سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو انڈر پاس لگے ہوئے ہیں ان میں لائٹیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان میں لائٹیں لگائی جائیں تاکہ جو مثلاً لوگ ہیں وہ ان سے گزرا جائے. وہ شام کو گزرتے نہیں ہیں تو جب روڈ کراس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. چلے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آل رائٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں ابھی یہاں پہ میں یہ بات تو نہیں کروں گا کہ وہ ایریا ہم کور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ شہر اسلام آباد کی حدود میں ہے یا نہیں ہے. ارے پاکستان تو ہم سبھی کا ہے, لیکن ہاں پھر کچھ حدود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں. جہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی ان کی حدود ختم ہو جاتی ہیں, کچھ اور حدیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ملک تو سبھی کا ہے. افسران اعلیٰ سنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں ہم جتنا اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک لائف کال میں شامل کرتا ہوں. اچھا جی یہ تو 2015 کا اوپس ہو گیا. سننے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اچھا والا سال کون سا تھا. گزشتہ زندگی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, گزرے ہوئے سالوں کی. ہلو. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ نام کیا بتایا آپ نے؟ دوبارہ سے نام بتا سکتی ہیں؟ نام دوبارہ سے بتا سکتی ہیں؟ مجھے سنائی نہیں دے رہا, آپ کیا بول رہی ہیں؟ سنم کیسی ہے؟ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ اچھا کیا کرتی ہیں آپ سنم؟ اچھا چلیں اچھا ہو گیا. تو گزشتہ زندگی کے سالوں میں سے اچھا والا سال کون سا تھا بتائیے گا؟ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں. چلیں آپ اس طرح کریں, یہ لیے انگور کھائیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں آپ سلامت رہیے گا. جتنے لوگ اس وقت میں اداس ہیں آپ ابلے ہوئے آلو کھا لیں, یقین کیجیے گا موڈ بڑا اچھا ہو جائے گا. ایش فرام E113 لسننگ یو آفٹر اے لانگ ٹائم. نائس شو, نائس وائس. یو نو حنان, وی آل لسنرز آل فینس لو یو الاٹ. ہی واز دیٹ سم تھنگ فنی. او مائی گاڈ. ندا جمشید ہمارے ساتھ ہیں اینڈ عبد الحنان. اچھا جی اور مجھے سلام کہتے ہیں آپ لوگ. اچھا آپ کا شو بہت شوق سے سنتے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. میری اماں تو کہتی ہیں کہ جمیلہ کے بچے بڑے اچھے ہیں, تمہاری خالہ کے سارے بچے بڑے اچھے ہیں, اور ایک تم ہو کہ بات نہیں سنتے, سودا نہیں لے کے آتے, مہنگی مہنگی چیزیں لے کے آتے ہو. 50 روپے کا ٹماٹر تم 80 روپے کے لے کے آتے ہو. میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی ریڑھی والے سے ایک ٹوکری میں رکھا ہوا سامان بیچنے والے سے اگر میں کچھ خریدتا ہوں اور میری جیب سے ایک 50 روپے کا نوٹ ایکسٹرا چلا جاتا ہے اس کی جیب میں, تو اگر میں اسے وہی قیمت ادا کرتا ہوں جو وہ مانگتا ہے
तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो शख्स एक दिन के लिए सुकून से कुछ ज्यादा पैसे घर लेके चला जाएगा, उन पैसों से शायद अपने बच्चों के लिए चंद खिलौने ले लेगा, शायद उनके लिए बाजार से किसी दुकान से चॉकलेट्स लेके कुल्फी लेके या कोई एक छोटा सा खिलौना लेके खिलौने के साथ अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके घर जाएगा। तो मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग आसाइशें और सहूलियात कमाने के लिए वहां नहीं बैठते, बल्कि वो अपने लिए जिंदगी का सामान खरीदते हैं। तो फिर मेरी माँ कहती है, पगले बस कर, आज तो जान निकाल दी है तूने। Coming up next, your comments, www.facebook.com/ITPFM. I know, कि लंबा टाइम हो गया है कि मैंने आपके कमेंट शामिल नहीं किए, so here we go. अच्छा जी, अगर आप हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ITP 92.4 FM इस्लामाबाद को ट्यून किया। फातिमा ईमान है, वेलकम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सागर दिन मोहम्मद बलोच है डिस्ट्रिक्ट सांगर सिंध से, मुझे मुबारकबाद दे रहे नए साल की। मोहम्मद इश्तियाक है भाई, आपको और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम, तारीफ करते हैं आप, अटक से आपका ताल्लुक है। शहाब अहमद है, फाइनल एग्जाम्स गोइंग ऑन, टू मच क्रेजी इन दीज बोरिंग डेज, पगले ये ले अंगूर खा। जेनिता जॉयल हैं, सलाम हनान जी, कैसे हैं, आपका शो हमेशा की तरह से ग्रेट है, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। वकास अहमद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग टू यू भाई, सलामती हो सब पर। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2016 इस मुल्क के लिए, यहाँ के तमाम लोगों के लिए अच्छा साल साबित हो, आमीन सुमामीन। नजमा नौशानी है, फैसलाबाद से आप शामिल रहती हैं, मुझे नए साल की मुबारकबाद दे रही हैं। नरगिस गुल हैं, सलाम हनान भाई, कैसे हैं आप, हैप्पी न्यू ईयर, शो अच्छा है। राशिद हमीद है, हनान भाई सलाम, 2014 में मुझे अल्लाह ने बेटा दिया था, ठीक है, 2015 में एक प्यारा सा घर बच्चों के लिए लिया, ओके, दो साल मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, हाय, अच्छा है, अच्छा है। शाहिद अली हैं, कुबरा, ये आपकी जगह का नाम है, कल भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। आपके लिए 2009 और 10 अच्छे साल थे, क्योंकि इन सालों में आपने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की थी। अच्छा, 2002 में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो साल भी आपको याद है, ठीक है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आप सलामत रहिएगा, खुश रहिएगा। जैनब जैनी है, अस्सलाम वालेकुम भैया, तमाम सुनने वालों को सलाम, मेरी खैरियत दरियाफ्त करती हैं। शाहिद अली दोबारा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैविश मलिक है, आई एम फ्रॉम मरी, आपके लिए 2014 सबसे अच्छा साल था, क्योंकि मुझे बहुत खुशियां मिली, और 2015 इस अच्छा साल नहीं है, क्योंकि मैंने किसी का दिल तोड़ दिया है, तेरी खैर ओए। शोएब अली ताज है, सलाम टू ऑल, कैसे हैं हनान भाई, आपका शो हमेशा की तरह बूम बूम है, अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुमामी। सो क्या करें, कौन सा वाला गाना सुनें, इसी वाले गाने को प्ले करें या कुछ और प्ले करें? वैसे गानों के साथ मैं बहुत नाइंसाफी करता हूँ, यकीन कीजिएगा। एनीवे, 9:27 आप इस गाने को सुनिएगा। अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं तो इस गाने के फौरन बाद आप लोग आ सकते हैं, बैक टू बैक लाइव कॉल्स लूंगा, 0519263184। अगर अपने सेल फोन से आप मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP1 अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दीजिएगा 4471। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो www.facebook.com/ITPFM। जब कोई गाड़ी
इंडिकेटर दे के अपनी लेन तब्दील करना चाह रही है, तो उस ड्राइवर का यकीनन इरादा है कि वो अपनी सिम तब्दील करना चाह रहा है, अपनी लेन तब्दील करना चाह रहा है। लेकिन मैंने ये बात नोटिस की है कि जब कभी इंडिकेटर कोई गाड़ी वाला देता है तो गाड़ियां जो पीछे से आ रही हैं, लेफ्ट लेन से आ रही हैं, राइट लेन से आ रही हैं, उस लेन में से जिस लेन की तरफ जाने का गाड़ी के ड्राइवर इरादा रखे हुए हैं, तो वो लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। इससे होता यही है कि जो बंदा टर्न लेना चाह रहा है, अपनी लेन तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए कन्फ्यूजन होती है और ट्रैफिक में रुकावट भी पैदा होती है, क्योंकि अगर आप उसे रास्ता नहीं देंगे तो उसकी गाड़ी के पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं मजबूरन उन्हें रुकना पड़ेगा। तो देखें, आप किसी के लिए तकलीफ की वजह बन रहे हैं। अगर ओवरहेड ब्रिजेस हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है या व्हाइट पट्टी आपको नजर आती है सड़क के ऊपर, तो दीज आर दी बेस्ट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, पाथ जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी और दूसरों की जिंदगियों को मुश्किलात से बचाते हुए सड़क उबूर करते हैं। इसके अलावा से गाड़ियों में पानी चेक कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से एक प्रोमो चलता है जो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे तो जवाब में गाड़ियां भी आपका ख्याल रखेंगे। 9:29, प्रोग्राम का नाम चिल जोन एंड आई एम योर डीजे हनान राफे कमिंग लाइव।
بات سری آپ کی بیک ٹو بیک لائف کالز میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں 0519263184. اگر کسی چیک پوائنٹ سے آپ کا گزر ہے تو وہاں سے گزرتے وقت ایک تو جو بھی آفیسرز جو بھی اہلکار وہاں پہ تعینات ہیں تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اپنی رفتار کو کم کرتے ہوئے, اپنی لائٹس کو ڈم کرتے ہوئے یا ان کو مکمل طور پہ آف کرتے ہوئے اپنی اندر کی بتی جو ہے جو کہ گاڑی کے اندر ہے تو اس کو آن کر لیں. اگر آپ سے دستاویزات کا پوچھا جاتا ہے, آپ سے آپ کی شناخت کے بارے میں کچھ دریافت کیا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. یہ شہر ہمارے ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, تو ہم نے ہی اسے سنوارنا ہے, ہم نے ہی یہاں پہ جتنا میل ہے اسے ختم کرنا ہے, ہم نے ہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. میں نے کہا یہ بات میرے لیے کوئی اتنی سینسیبل بات نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں سے گلا کرتے رہیں. اچھا, سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کون سا سال آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہوا, اس کا ذکر کیجیے گا. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی, کیا حال ہے؟ زعفران بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا کرم ہے, خیریت سے؟ شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ہے. تو حسب معمول وہاں پہ ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی, ایسا ہی ہے؟ جی بہت ٹھنڈ ہے اور برف جمی ہوئی ہے, بہت سارے بھائی ہمارے جو ہے سلیپنگ ہو گئے کافی. اچھا, تو آپ بھی زکام زدگان میں شامل ہوتے ہیں؟ ابھی شامل ہیں اس فہرست میں؟ جی سر, میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی زکام لگا ہوا؟ نہیں فی الحال. چلیں, اچھا اچھا اچھا, تو بتائیں کون سا سال اچھا سال ثابت ہوا آپ کے لیے؟ سر فی الحال تو کیا بتاؤں آپ کو, یہ 2015 بھی بہت ساری پریشانی رہی ہے, فی الحال بہت سارے دکھ رہے ہیں. اچھا, جی ابھی نیا سال ان شاء اللہ دیکھ کے آگے رنگ لگتا ہے. تو نئے سال سے کیا امیدیں ہیں؟ ان شاء اللہ جو ہے کچھ یاد خوشیاں خوشیاں دکھائیں شاید ان شاء اللہ. چلیں چلیں, اللہ آپ کو وہ تمام خوشیاں دیں جن کی آپ امید رکھتے ہیں, جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. ٹھیک, آمین. آپ سلامت رہیں. کوئی ٹریفک کا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ احتیاط سے چلائیں ٹریفک, اور بہت جو ہے سردی ہے, سردی میں بہت زیادہ احتیاط کریں اپنے آپ کو. ٹھیک, آپ سلامت رہیے. زعفران صاحب اچھے لگتے ہیں, آپ آتے رہا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. 9:37 ہو چکے ہیں. اور میں آپ کی بیک ٹو بیک لائف کالز پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ سر نور حکیم بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سے. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر. آپ سنا ٹھیک ہے سر؟ آپ کرم اللہ کا. تو بتائیں کون سا سال آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہوا؟ سر ہمارے لیے تو سر یہ جی ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے سر. اچھا جی سر, اور آپ ٹھیک ہے سر؟ کرم اللہ کا. تو کوئی ٹریفک کا پیغام دیں گے؟ پروگرام کرتے سر, اب آپ کے پروگرام کے لیے ہر انتظار کرتے ہیں ہم. اچھا چلیں, آپ کا بہت بڑا پن ہے, مجھے اچھا لگتا ہے سر. آپ کا پروگرام ہوا حنان بھائی کا تو ہم بہت شوق سے سنتے ہیں سر. اچھا سر, مجھے اچھا لگا, مجھے اچھا لگا. آپ ٹریفک کا پیغام دیں گے؟ سر بس یہ میں پیغام دوں گا سر, بس اختیار سے ڈرائیو کریں, خاص کر کے جو موٹر سائیکل والا ہے سر, یہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں, ایسا میں خود بھی ڈرائیور ہوں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, تو یہ موٹر سائیکل والا سر یہ بہت تنگ کرتے ہیں, باقی ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں, تو یہ خیال نہیں کرتے سر. ان کو تھوڑا سا مہربانی کرے, ان کو بتائے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں اختیار سے چلائے, اپنے بھی جان قیمتی ہے, دوسروں کو بھی خیال کرے, تو ہی میرے خیال میں سب سے اچھا ہوگا. اچھا چلے, میں ان کے کان کھینچتا ہوں. ٹھیک ہے, کھینچو سر. بنا بھائی بہت شکریہ, آپ سلامت رہیے گا. اچھا جی, تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ برابری کی بنیاد پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, سڑک ہم سب کی ہے, لیکن کہیں پہ اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے, کسی بندے کے لیے مصیبت بنتی ہے, تو یقیناً ہمارے عمل میں بہتری کی گنجائش ہے. جی ہاں بالکل, موٹر سائیکل والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی سائڈ مررز موٹر سائیکل میں رکھا کریں,
इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आप लोग भी किया करें। और अपनी रफ्तार को कम रखा करें, खासतौर पे जब आपके साथ खवातीन बैठी होती हैं या आपके साथ बच्चे होते हैं, तो उस केस में तो बहुत ज्यादा एहतियात बनती है। 9:40 हो चुके हैं, बैक टू बैक लाइव कॉल दे रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। नाम क्या बताया आपने? हीरा। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र, आप सुनाएं। करम अल्लाह का। तो कौन सा साल अच्छा साल साबित हुआ आपके लिए? अच्छा, इसी साल 2015 की बात करेंगे आप? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने देखा है, मैंने ये बात नोटिस की है कि अक्सर लड़कियों की जब मंगनी हो जाती हैं तो वो डाइट पे चली जाती हैं, कहती नहीं मैं डाइट पे हूँ, ऐसे ही? अच्छा चलें, अच्छा अगर आपके नसीब अच्छे करे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बैक टू बैक लाइव कॉल्स दे रहा हूँ और चंद लाइव कॉल्स के बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं आरफ लकी बोल रहा हूँ। अच्छा, आज बड़े नए नए कॉलर मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं 2 वर्ष से सुन रहा हूँ हनान भाई को, एफएम सुन रहा हूँ, मैं बड़ा शौक से सुनता हूँ। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, जो हमारी आवाज जा रही है पूरे पाकिस्तान में जा रही है, हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आज हमारी बसें जा रही थी, तकरीबन 900-1500 बंदा जा रहा था गांव से, तो मैंने मेरे को बोला भाई तू जा, मैं कहा मैं नहीं जाना। उसकी वजह क्या है? उसकी बस वजह ये जो थे काम करते हैं, बैठे थे काम करते हैं, कम तकरीबन की 3 लाख चल जा रही है। अच्छा, काम करते हैं 3 लाख चल जा रही है, बस इतने काम करते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं। चले, आप सलामत रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके। नान भाई, मैं तुम्हारा तकरीबन 6 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये तकरीबन मैं तुम्हारे रिकॉर्डिंग की थी बता, तकरीबन तू तकरीबन 20 घंटे की थी बता। अच्छा, 20 घंटे तकरीबन पिछले मुहर्रम जब मैं की थी बता, पिछले साल था 14 था। अच्छा, वो मैं तुम्हारे से भाई, तुम्हारा दिल तुम्हारी एक एक गाल पे फसल है भाई। अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। बहुत तुम्हारे बच्चे लोग तो रन भाई, भाई मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अच्छे लगते हैं आप इसी तरह से सुनते रहेंगे तो मुझे अपने आप मुकम्मल महसूस होगा। नहीं सयानान भाई, हमारा दिल करता है कि हम तुम्हारे से 24 घंटे बात करेंगे अनान भाई। नहीं, वो मोबाइल का बिल बड़ा ज्यादा आता है ना फिर। हाँ वो भाई बात सही है, सही है। जो भी जब गाँव में जाऊंगा ना, ठीक है, तकरीबन 2 घंटे बुध के तो 2 घंटे खमीस के, एक तो तुम गाने कम लगाते हो इंडिया के, जबरदस्त गाने लगाओ, मैं गाँव चलाऊंगा डेक से। ठीक है भाई, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। 9:43 हो चुके हैं। अक्सर जगह जो इस मौसम में फॉगी हो जाती हैं और धुंध की वजह से विजिबिलिटी का मसला बहुत सारे लोगों को दरपेश होता है, तो ऐसी सूरत में एक तो डबल इंडिकेटर्स ऑन करते हुए अपनी रफ्तार को कम से कम रखते हुए, अगर आपके पास फॉग लाइट्स हैं तो उनको ऑन रखें, और जो सड़कों के ऊपर लेन की निशानदेही के लिए सफेद रंग की पट्टियां बनाई गई होती हैं उनको देखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। एक मजीद लाइव कॉल शामिल कर रहा हूं, इसके बाद कुछ मैसेजेस होंगे और कमेंट्स होंगे, ठीक है, फिर वाइंड अप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
जी मैं सागर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक। मेरे भी रात में भी इतनी फ्रेश आवाज है आपकी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं टमाटर की चटनी खा के आता हूँ ना रोजाना। अच्छा अच्छा, टमाटर वैसे फल है? जी जी जी, टमाटर फल भी है और ये सलाद के तौर पर भी खाया जाता है। चलें अच्छा, तो बताएं कौन सा साल अच्छा साल साबित हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुज़िश्ता जिंदगी के सालों में से सबसे अच्छा वाला साल कौन सा था? जिंदगी में सारे ही साल अच्छे होते हैं अगर इंसान अच्छे तरीके से उसको बिताए, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ गुजारे तो। ठीक है ठीक है, है। मेरे ख्याल से मैं यही कहूंगा कि 2016 मेरी जिंदगी में तकरीबन सबकी जिंदगी में एक खुशियों भरा साल हो। ठीक है, सबसे आपस जिनके साथ नाराजगी है वो भी हम सबके साथ कर दे खत्म, सबको जिनके साथ नाराजगी है सुबह उठे और उनको अपने गले के साथ लगाए, सबको नया साल मुबारक कहें। ठीक है ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक गाना सुनाऊं आपको? आप सुना दें जी। रोग प्यार दे दिलानू देना लाए, इकले कले दैन रात नो, इकले कले दैन रात नो, प्यार चन नाल बहुत ना वधोना, ये तारे अनुकेन रात नो, ये तारे अनुकेन रात नो। वैसे इस शायरी में शायर क्या कहना चाह रहे हैं? तो सही। चले मैं ऐसा है, इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में सुनूंगा। आवाज बड़ी अच्छी है और खूबसूरत अंदाज में आपने निभाया, ठीक है, और तमाम धुनों को बड़े अच्छे अंदाज में तरतीब दी है। जितने भी आरजे हैं और हमारे लिए शो करते हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर करूंगा, ठीक है, और सबकी जिंदगियों में नया साल खुशियों में भरा हो। आमीन सुम आमीन, आप सलामत रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शो अच्छा है, आपकी आवाज भी अच्छी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है ठीक है। बुशरा बासी हैं मरी से, दिस वॉज द बेस्ट ईयर फॉर मी क्योंकि 2015 में मेरे भाई की मंगनी हुई, ओके, और मेरी लाइफ में कुछ बहुत नाइस पर्सनालिटीज आई जिनमें एक आप हैं सजी। इजाज़ जंजुआ हमारे साथ हैं। 1969 आपके लिए अच्छा साल था क्योंकि मैं पैदा हुआ था। वाह पगले रुला दिए ना आज FM। अच्छा इजाज़ जंजुआ दोबारा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हनान राफी, अनजर भाई, ऑल टीम हैप्पी न्यू ईयर। शाहजेब कियानी ITP से। अच्छा अजहर साहब को आप सलाम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ खान हमारे साथ इस्लामाबाद से शामिल रहे। अच्छा जी, परीक्षे फरीना हमारे साथ हैं। 2012 आपके लिए अच्छा साबित हुआ साल क्योंकि उस दिन, मतलब उस साल में आपका मेडिकल में एडमिशन हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा, अल्लाह करे आप बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाएं, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी लिखाई बाकी डॉक्टर्स की तरह MEC है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं अपनी लिखाई लिख लेने के बाद कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या लिखा है, दिल पे ना लिया करें। मैं डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि आपके काम को मैं इबादत कहता हूं, आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। राजा अरसलान हमारे साथ हैं, सलाम भाई, शो नाइस है। 1987 आपके लिए अच्छा साल था क्योंकि आप पैदा हुए थे, ठीक है। वकास अहमद हैं, 2015 आपके लिए अच्छा साल साबित हुआ, आपने फर्स्ट पोजीशन ली अपनी क्लास में, सारा यूनुस है। सलाम, आपका शो पिशावर में सुन रही हूँ, लाड़ शपे खबर तक कमी स्तोर माता रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलना द्री सलोर माता रोड़ा। हाँ जी, चिकम कसान पुख्ताने दी मुतासुदा पारा नन मा द पुख्तो गाना प्ले न का, लेकिन इन सम कमिंग शोज आई विल डेफिनेटली बी प्लेइंग सम पश्तो सॉन्ग्स एंड यू नो आई एम लुकिंग फॉर दैट मोमेंट
कि जिस दिन मुझे चारों सूबों के या ज्यादा से ज्यादा इलाकाई जबानों के गाने मिल जाते हैं, तो एक दिन मैं एक कंप्लीट पैकेज के साथ आऊंगा। सिंधी गाने सरायकी में जो हो, हिंदको के गाने, पंजाबी के, पश्तो के, बलोची, चित्राली, शोएब अली ताज हैं, पलंदरी आजाद कश्मीर से आप शामिल रहते हैं। That's it. No more live calls, no more messages, and no more comments. हमारी जिंदगी में साल ऐसे ही बढ़ेंगे, जितना वक्त हमने गुजारना है, जितने मौसम हमने देखने हैं, जितनी बहारें हमारी जिंदगी में आएंगी, जितने पतझड़ से हमारा वास्ता बनेगा, जितने लोग मिलेंगे, जितने लोग मिलने के बाद एकदम से साथ छोड़ देंगे, लेकिन वक्त आगे बढ़ेगा। एन उसी जगह तक, एन उसी मकाम तक जहां भी हमारी जिंदगी का खत्म शुद्ध लिखा होगा। हम अक्सर सवाल पूछते हैं जब कभी कोई नया साल आता है, कोई साल हमारी जिंदगी से जा रहा होता है, कि हमने क्या खोया क्या पाया। मैं मादी चीजों पे बात नहीं करूंगा, मफाद परस्ती पे बात नहीं करूंगा, शौहरत पे बात नहीं करूंगा, पैसे पे बात नहीं करूंगा, मैं ताकत का तस्करा नहीं करूंगा, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में दोबारा से मैं तस्करा करूंगा कि हम गुजरते हुए इन सालों के साथ इंसानियत के किस दर्जे पे फाइज होते चले जा रहे हैं, हम मोहब्बत से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। अच्छाई हमारे अंदर बसती है, एक दफा अच्छाई को हाथ से पकड़ के उससे कहें कि मुझे अच्छा बना दो, मैं तंग आ गया हूं लोगों को उजाड़ के, उनकी जिंदगियों से खेल के, उन्हें दुखी करके, उन्हें रुला के, उन्हें गिरा के, बस अब मुझे अच्छा कर दो, तो आपकी अच्छाई सुनेगी, आप उसे हाथ से पकड़ें और उसे ओढ़ लें, उसे अपने ऊपर कब्जा करने दें, उसे अपने ऊपर हुक्म चलाने दें, फिर यकीन कीजिएगा सब आपको अच्छा कहेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, जिंदगी में सुकून कल्ब भी आपको मैसर होगा। एक दफा अपने अंदर छुपी इंसानियत को, अपने अंदर छुपी अच्छाई को जगाते हुए मैंने कहा उसे ओढ़ने की कोशिश करें, जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करें। ये मैल, ये चाक खुद ब खुद बैठ जाता है, ये अफरा तफरी खुद ब खुद खामोश हो जाती है। दुनिया के इस शोर में, इस मजमे में, इस बाजार में जिसमें रौनकें सजती हैं, लंबे अरसे से आपके अंदर मौजूद अच्छा इंसान चीख चीख के आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बस बहुत हो चुका, बहुत गलतियां हो गई, बहुत बुराइयों से ताल्लुक जोड़ लिए, अब मुझे अपना तो सच्चाई की आवाज आप तभी सुन सकेंगे जब आप किसी वक्त में अपने साथ रहेंगे। आपके अंदर यकीनन है वो अच्छा इंसान जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहता है, माशरे की नजर में, अपने प्यारों की नजर में,
मोमिन का बड़ा अच्छा शेर के, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इशारा किस तरफ है? आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। साल नौ आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये साल जैसा भी रहा, जितना मुश्किल रहा भुला दें, लेकिन इस साल में आपसे गलतियां हुई होंगी, इस साल में आप गिरे होंगे, इस साल में कुछ कमी थी जो इस साल की वजह से नहीं, खुद आपकी अपनी जात की वजह से थी। अगला साल इंशाल्लाह आपका साल होगा। जो कहानियां इस साल में अधूरी रह गई हैं, अगले साल में मुकम्मल हो जाएंगी। पुख्ता ईमान, साबित कदमी से जिंदगी में अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप थकने के बाद गिरेंगे नहीं, आप मायूसी का शिकार नहीं होंगे। एक नया साल चमक दमक के साथ, तमाम तर रोशनियों के साथ, तमाम तर कामयाबियों के साथ आपके कदमों में है। कामयाब हों, आगे बढ़ें, लेकिन साथ साथ अच्छे इंसान भी बने। यही आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में कहीं पे कोई गमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की, तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ बुध और जुमेरात को शब के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हन्नान राफी को इजाजत दीजिएगा। खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाइस बनते रहें। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। खुदे पामा, लव यू ऑल एंड पामो पखैर। Call 1-9-1-5-4 call.
road companion. I'm taking my